नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे प्रोग्राम बिजनेस की बात में और मैं हूं आपके साथ वंदना शर्मा। लॉकडाउन 3.0 में कुछ नियमों और कुछ छूट के साथ लोग बाहर निकले। आइए तस्वीरों में देखते हैं कैसा रहा 3.0 का असर। 4 मई से लॉकडाउन को 2 हफ्ते के लिए जोन के रंग के आधार पर आगे बढ़ा दिया गया। आपको बता दें कि लॉकडाउन 3.0 है, तीसरी बार लगाया गया है। जोन के रंगों के आधार पर लगे इस लॉकडाउन में दिल्ली को रेड जोन में रखा गया है, वहीं कुछ सरकारी और प्राइवेट ऑफिसेस को कुछ रिस्ट्रिक्शन के साथ खोला गया। गृह मंत्रालय ने कहा कि अब तक कोविड-19 की स्थिति में लॉकडाउन से महत्वपूर्ण लाभ मिले और पूरे देश में अब भी कुछ गतिविधियां प्रतिबंधित रहेंगी चाहे जो भी हो। आइए जानते हैं देश में लॉकडाउन 3.0 का कैसा असर रहा। गुवाहाटी में कोरोना वायरस पर अंकुश लगाने के लिए चल रहे लॉकडाउन के दौरान अधिकारियों ने प्रतिबंधों को कम करने के बाद GS रोड पर वाहनों को रोक दिया गया। शराब की दुकानें सोमवार से 40 दिनों के बाद पूरे देश में गैर सम्मिलित क्षेत्रों में फिर से खुल गई। वहीं शराब की दुकानों पर बिना किसी सोशल डिस्टेंसिंग के लोगों की लंबी कतारें देखी गई। जबलपुर में कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान 30% कर्मचारियों की उपस्थिति के साथ सरकारी कार्यालयों के खुलने के बाद प्रधान डाकघर के कर्मचारियों ने काम शुरू किया। गुवाहाटी में चल रहे कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान राज्य अधिकारियों द्वारा प्रतिबंधों में ढील देने के बाद यात्रियों ने सिटी बस में यात्रा की। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें ताकि हम हर अपडेट आप तक पहुंचा सकें। तो चलिए आपको कुछ और तस्वीरें दिखा दें। लॉकडाउन के दौरान नई दिल्ली में अधिकारियों द्वारा प्रतिबंधों में ढील दिए जाने के बाद लोग पांडव नगर इलाके में सड़क पर उतर गए। अपनी दुकान के बाहर मास्क पहने एक दुकानदार जो केजरीवाल सरकार द्वारा कुछ प्रतिबंधों के बाद खोली गई। नई दिल्ली में कुछ प्रतिबंधों के बाद वाहनों को सड़क पर देखा गया। असम के नागांव जिले में कोविड-19 लॉकडाउन के तीसरे चरण में अधिकारियों द्वारा कुछ प्रतिबंधों में ढील देने के बाद वाहन टोल प्लाजा से गुजरने का इंतजार करते हुए। जम्मू के नरवाल में लॉकडाउन के दौरान एक सब्जी के बाजार की तस्वीर। कोलकाता में सुरक्षात्मक गियर पहने एक नगर पालिका कार्यकर्ता एक बाजार में कीटाणु नाशक का छिड़काव करता हुआ। गुवाहाटी में लॉकडाउन के दौरान मिली कुछ राहत के चलते लोगों ने कपड़ों की दुकान से कपड़े खरीदे। नवी मुंबई में मेडिकल सर्टिफिकेट प्राप्त करने के लिए एक डॉक्टर के क्लिनिक के बाहर कतार में खड़े प्रवासी। लॉकडाउन में कुछ छूट मिलने के बाद नई दिल्ली में सड़क किनारे एक मोची जूते चमकाता हुआ। नगांव में कुछ राहत के बाद खुली अपनी ज्वेलरी शॉप की सफाई करता व्यक्ति। तो ये थी कुछ वो तस्वीरें जो बयां करती हैं कि लॉकडाउन के वक्त लोगों को कितना इंतजार था अपने अपने काम पर वापस जाने का। तो जल्द मिलेंगे एक नई खबर के साथ, लेकिन इन तस्वीरों पर आप अपने विचार हमें शेयर करना ना भूलिएगा।